दोस्तों, इस चार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस चार्ट को देखकर बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई मैं यहाँ पे कहीं बाइंग करूँगा, मैं यहाँ पे कहीं बाइंग कर रहा हूँगा, लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी चार्ट बीत चुका है, चार्ट को देख के तो कोई भी कह सकता है कि भाई ऊपर की तरफ बाइंग नहीं करनी है, नीचे की तरफ बाइंग करनी है। तो आखिर हम कैसे डिसाइड करें कि किस प्राइस पे हमें बाइंग करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक और रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले IGL स्टॉक के बारे में, इसकी करेंगे पूरी एनालिसिस, देखेंगे टेक्निकली ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा है और आने वाले समय में इसमें क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कि भाई इसमें ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो ठीक है दोस्तों, जहां तक रही स्टॉक की बाइंग प्राइस, कैसे डिसाइड करना है, क्यों यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, क्यों यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, क्यों इस पॉइंट पे हमें बाइंग करनी है, क्यों यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हम अपनी एनालिसिस दिखाते हैं टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑसम ऑक्सिलेटर है ये कितने सटीक तरीके से इंडिकेशन देता है, बाइंग इंडिकेशंस देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑसम ऑक्सिलेटर, आप RSI देख सकते हैं यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, तो जब भी कोई स्टॉक अगर अपने ओवरसोल्ड जोन में होता है और एक बॉक्स में ट्रेड करता है, आप यहाँ पे देखिए, बॉक्स कहने का मतलब यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड करता है, तो आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड जब भी कोई स्टॉक करता है और वो ओवरसोल्ड जोन में रहता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उस बॉक्स को तोड़कर ऊपर जाने की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यही चीज़ हुआ है हमारे IGL स्टॉक के साथ, और इसने आज एक ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई है, और जैसे ही उस रेंज को इसने तोड़ा है, इसने आज करीब 11-12 रुपए का यहाँ पे मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, एक जबरदस्त स्टॉक है, आपको हमेशा ये प्रॉफिट देता है। एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कभी भी RSI अगर आपको ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिखाई देता है और ऑसम ऑक्सिलेटर यहाँ पे सिग्नल देता है कि भाई इसमें गिरावट आ सकती है, करेक्शंस होती है नो डाउट, लेकिन करेक्शंस होने के साथ साथ इसमें जबरदस्त एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, वो भी डबल फोर्स के साथ। आप देख सकते हैं कि इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है, ये जबरदस्त सपोर्ट देता है इसके ओवरऑल प्राइस मूवमेंट को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी जो करंट इसका RSI लेवल से एक तरह से देखे तो नो ट्रेड जोन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ट्रेड जोन, इन द सेंस कि अगर आपने ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे पोजिशन बनाई हुई है स्टॉक में, तो ये जोन जो है फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि IGL के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई फंडामेंटल्स की कहानी क्या है। तो आप देख सकते हैं आज के दिन इसमें 13 रुपए की ऑलरेडी बढ़ोतरी हो चुकी है और 408 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज की डेट है 20 अगस्त 2020। जस्ट इन केस आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई 20 अगस्त के दिन ये क्या प्राइस रहा था इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। तो जैसा कि हमने टेक्निकल्स में देखा, बिल्कुल सेम चीज़ हमें यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में पता चल रही है। FD रेट से ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं ऑब्वियसली। डिविडेंड यील्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे इसमें। एंट्री पॉइंट आप देखिए तो ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो भाई ये टेक्निकल में हमने देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई एंट्री करनी है या नहीं करनी है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये स्टॉक ASM GSM लिस्ट में नहीं है और इसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं है, जो कि जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस रहता है और 1550% के आसपास ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं इसने। 534 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई रहा है। तो अब यहाँ पे एज अ रिटेल निवेशक, एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक, हमें ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि भाई ये जो 410 रुपये का प्राइस है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच रहा है, तो क्या अब हमें बोनस स्टॉक या प्लिट्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो भाई बोनस शेयर्स तो इन्होंने कभी नहीं दिए, एक बार इन्होंने स्टॉक स्प्लिट दिया था, वो भी 2017 के आसपास। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,000 करोड़ का है और स्टॉक का पी देखिए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में जा चुका है। तो यही सेम चीज़ें हमें टेक्निकल्स में भी दिखाई दे रही थी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका, पिछले 5 सालों का एवरेज देखिए 22% के आसपास। डिविडेंड यील्ड हालांकि है, जैसे कि हमने देखा 0.61% के आसपास ही है। सेल्स ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त रही है, देखिए 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों की। डेब्ट टू इक्विटी देखिए तो 0.02 है, यानी कि फेलियर की चांसेस बहुत ही कम है। इसको जीरो डेब्ट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। केवल 100 करोड़ रुपए के आसपास डेब्ट है,
2500 करोड़ रुपए के आसपास एसेट्स हैं इनके पास। ग्राहम नंबर यहाँ पे देखिए तो आप 175 का ग्राहम नंबर देख सकते हैं और 400 रुपए के आसपास करंट प्राइस है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें खेल क्या चल रहा है, कहानी क्या है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है लेकिन अभी जो करंट प्राइस है इसका वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। आप पीजी रेशियो देख सकते हैं 0.97, जस्ट नियर टू ओवर वैल्यूड की कैटेगरी हम इसे मान सकते हैं यहाँ पे। पेट्रोस की स्कोर देखिए तो एक बेहतरीन कंपनी है, ड्रीम कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 8 का पेट्रोस की स्कोर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू, ग्राहम नंबर, पेट्रोस की स्कोर, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोज बना रखी है। आप समझ सकते हैं कि भाई ये सब क्या होते हैं और कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस में इनको देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग केवल 45% है और पब्लिक के पास यहाँ पे 10% की शेयर होल्डिंग है। और बाकी देखिए यहाँ पे जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कितना जबरदस्त योगदान है इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं कोई भी प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हुई है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे DII ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया, करीब 8% के आसपास होल्डिंग है ओवरऑल। FIIs ने थोड़ी सी सेलिंग करी है लेकिन इनके पास भी 22% के आसपास शेयर होल्डिंग है ओवरऑल। तो इसमें जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर्स हैं उनका एक तरह से देखें तो शेयर होल्डिंग है, और प्रमोटर का देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि 45% के आसपास थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज का 420-425 रुपए के आसपास है। तो आपको देख के डिसाइड करना होगा कि भाई अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। हालांकि जो RSI है अभी 70 के लेवल्स तक फिर से टेस्ट कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई आप IGL में जाइए बाइंग करिए, ब्लाइंडली निवेश करिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टडीज लाता रहता हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि भाई कौन से स्टॉक्स में कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं इमोशंस को साइड में रखकर कि इस स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म निवेश करना है या नहीं।